बॉलीवुड के नामी डायरेक्टर अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू मुश्किल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। खबर है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके घर और प्रॉपर्टीज पर छापेमारी की है। इनके अलावा आयकर विभाग ने विकास बहल और प्रोड्यूसर मधु मंटेना की प्रॉपर्टीज पर भी छापे मारे हैं। जानकारी मिली है कि क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी जो है उस पर भी रेड पड़ी है। ये एजेंसी मधु मंटेना की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये छापेमारी फिल्म इंडस्ट्री की नामी शख्सियतों से संबंधित लगभग 2 दर्जन लोकेशंस पर चल रही है। गौर करने वाली बात ये है कि अनुराग और तापसी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कड़े आलोचक रहे हैं। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस छापेमारी को सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुंबई और पुणे की करीब 20 से 22 प्रॉपर्टीज पर छापा मारा। सारा मामला टैक्स की चोरी का बताया जा रहा है। इंडिया टुडे से बात करते हुए इनकम टैक्स अधिकारी ने खुद ये बात कंफर्म की। आगे बताया कि ये टैक्स में घपले का जो मामला है वो फैंटम फिल्म्स और 3 दूसरी कंपनियों से जुड़ा हुआ है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जिन जिन लोकेशंस पर छापेमारी हुई है वहां इनकम टैक्स के अधिकारी कागजात खंगाल रहे हैं। छापेमारी में अलग अलग लोकेशंस पर मौजूद लैपटॉप और सिस्टम्स की जांच करके इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी जुटाया जा रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो आगे की पड़ताल के लिए कागजात, सिस्टम्स और लैपटॉप सीज भी किए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी तैयारी के साथ वहां पर आया था, यानी सर्च वारंट वगैरह लेकर के। आईटी डिपार्टमेंट अभी अपनी जांच कर रहा है। जांच पूरी होने के बाद अगर कुछ भी संदिग्ध मिलता है तो वो इन सेलिब्रिटीज को पेश होने का सम्मन भेजेंगे। इस पूरे मामले में फैंटम फिल्म्स का भी नाम आया है। फैंटम फिल्म्स एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है जिसकी शुरुआत 2011 में अनुराग कश्यप, विकास बहल, विक्रमादित्य मोटवानी और मधु मंटेना ने मिलकर की थी। हालांकि 2018 में जब विकास बहल के खिलाफ यौन शोषण का मामला सामने आया था उसके बाद से अनुराग और विक्रम कंपनी से अलग हो गए थे। विकास को भी बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया था। इसी साल जनवरी में मधु मंटेना ने इनके हिस्से के शेयर खरीद लिए। अब ये मधु मंटेना की कंपनी और रिलायंस एंटरटेनमेंट के बीच का जॉइंट वेंचर है। इन सब बातों के बीच एक बात और सुर्खियों में है। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू सरकार के कड़े आलोचक रहे हैं। खासकर अनुराग अपने विचारों को लेकर बेहद प्रखर रहे हैं। हाल में ही किसान आंदोलन के दौरान भी उन्होंने किसानों के समर्थन में ट्वीट्स किए थे। ऐसे में इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के यहाँ इस छापेमारी को सियासी रंग दिया जाना तय है। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि केंद्र सरकार जांच एजेंसी के जरिए अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू को डराने की कोशिश कर रही है ताकि वो सरकार के खिलाफ अपने विचार न रखें। ये खबर आप तक पहुंचाए जाने तक आईटी डिपार्टमेंट की जांच चल ही रही थी। उन्हें इस दौरान क्या मिला वो अधिकारियों ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। जांच पूरी होने पर जो अपडेट आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ये स्टोरी आप तक लेकर आए थे यमन। मैं हूं प्रेरणा, कैमरे के पीछे अमितेश। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, YouTube की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे दी लल्लन टॉप पर।